अब पहले हम लोग बीच पे गए, फिर हम लोग लेक पे गए ताकि हम लोग सॉल्ट वाला जितना भी वाटर आया वो सारा रिंस कर ले दूसरे वाटर के साथ। बट अब हम लोग निकल रहे हैं अंजुना बीच के लिए। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग आ रखे हैं आरंबोल बीच नॉर्थ गोवा, एंड साउथ गोवा से हम लोगों ने ट्रैवल किया था सीधा नॉर्थ गोवा के लिए कल, और आज सुबह 9 बजते ही हम लोगों ने आरंबोल बीच पे एक बीच के पास ही एक स्वीट वाटर लेक है आरंबोल की, वो कवर करना है। और हमारा जो स्टे है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, वो जो वहाँ पे प्रॉपर्टी है वो हमारा स्टे है, बिल्कुल बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा बीच बिल्कुल सामने कवर हो रहा है, और रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डॉम्स बुक करे हैं तो हमने सिर्फ एक नाइट स्टे करना था आरंबोल में, तो इसलिए हमने सबसे चीपेस्ट स्टे करा। यहाँ पे हमें मिला 200 रुपीज़ में वन डॉम, तो हम लोग 5 जने थे जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में दिखाया था, वर्षित एंड सिद्धांत। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ये कट हो जाएगा। तो ये लोग हमें मिले थे साउथ गोवा में, तो इन्हीं के साथ हम लोगों ने ट्रैवल किया आरंबोल बीच तक, एंड इसके बाद हम लोग इनके साथ ही अंजुना तो जाएंगे, पर अंजुना में हमारा शायद स्टे अलग होगा इनसे, बाकी पता नहीं अभी हम डिसाइड करेंगे। बाकी चलते हैं हम लोग स्वीट वाटर लेक, और अब आप देखिए स्वीट वाटर लेक कैसी होती है। और जिन इनको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम लोग पहुंच चुके हैं स्वीट वाटर लेक, और वो रहा हमारे पीछे बिल्कुल बीच, और सामने लेक है वो आपको व्यू दिखाते हैं अभी। तो हम लोग यहाँ से हमारे को होटल से लगा था हमारे को अराउंड 5-10 मिनट्स की वॉक थी, और रास्ता बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा नहाएंगे इस लेक पे, उसके बाद हम लोग बीच पे नहाएंगे एंड देखते हैं उसके बाद अंजुना जाना है, फिर अंजुना के लिए भी निकलेंगे फटाफट, और तब तक एंजॉय करते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एंड अंजुना जाके हम लोग सनसेट एंजॉय करेंगे इसी वीडियो में, वो भी कवर कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। गाइज वहाँ पे हम लोग लेक है बिल्कुल पीछे, वहाँ पे हम लोग लेक में नहा लिए हैं, एंड अब पहले हम लोग बीच पे गए, फिर हम लोग लेक पे गए ताकि हम लोग सॉल्ट वाला जितना भी वाटर आया वो सारा रिंस कर ले दूसरे वाटर के साथ। बट अब हम लोग निकल रहे हैं अंजुना बीच के लिए, और हम यहाँ पे बीच बेड्स पे बैठे थे भैया के पास, भैया ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, 40 रुपीज़ का एक बीच बेड दिया भैया ने, और बिल्कुल स्वीट वाटर लेक के सामने है, एंड जरूर आइएगा भैया के पास। ओह पैराग्लाइडिंग, वाओ वो देखिए गाइस पैराग्लाइडिंग, अगर आपको देखिए चलो भाई चलते हैं अब अंजुना बीच। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सनसेट देखने, एंड हम लोग आए हैं गुरु कैफे में, और अंजुना बीच के बिल्कुल पास है ये रहा गुरु कैफे।